हेलो गाइस, राधे राधे। जैसे कि ना, कैसा आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और घर का काम हो चुका है, अब करते हैं नाश्ता। बच गए हैं 10:15, और 6 बजे 6 बजे उठ गई थी, उसके बाद से काम ही कर रही हूँ। अब जाके नाश्ता। यहाँ पे आ गई हूँ मैं पोहा बनाने के लिए। पोहा बनाने के लिए पहले मैं यहाँ पे तेल वगैरह गरम कर रही हूँ, और ये मूंगफली वगैरह भून के पोहा बनाऊँगी। और पोहा मेरा बन चुका है, अब खाते हैं पोहा। और ये मैं अगले दिन शूट करूँगी इसके बाद। और यहाँ पे 5:30 बज रहे हैं, दिन शनिवार है, और व्लॉग मेरे थोड़े लेट चल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दिया है सब, और पतिदेव भी सो रहे हैं। मैं चली नीचे झाड़ू मारने के लिए, ऊपर का झाड़ू मैंने लगा दिया है, और यहाँ पे लगाऊंगी फटाफट से झाड़ू। पहले जूते रख देती हूँ ऊपर, सीढ़ियों में झाड़ू मारते हुए नीचे जाऊँगी, फिर बाहर आ गई हूँ। बाहर का झाड़ू वाड़ू मैंने लगा दिया, पानी वाली डाल के अपना धो दूँगी, फिर चलेंगे ऊपर छत में एक्सरसाइज करने के लिए। और यहाँ पे छत में आ गई हूँ, अब एक्सरसाइज करूँगी। और कम से कम मैंने करी थी 45 मिनट एक्सरसाइज करी थी। पहले तो मैं ऐसे ही नॉर्मल कर रही थी, और फिर उसके बाद मैंने अपना वो क्लास एक लगा दी थी मैम वाली, जो जहाँ मैं पहले जाती थी ना, क्लास वाली क्लास लगा दी थी। फिर मैं घर में बैठ के कर रही थी। आजकल मैं जान रही हूँ कि थोड़ा अभी आजकल थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, इस वजह से तो 45 ज़्यादा टाइम नहीं कर पाती, क्योंकि आने जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, 2 घंटे ख़राब हो जाते हैं मेरे आने जाने में। इस वजह से थोड़ा घर में ही कर रही हूँ, ताकि फटाफट से थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाए और बॉडी भी सही रहती है। वेट वगैरह तो अभी खैर थोड़ा लूज़ हुआ था मेरा 7-8 किलो, तो अभी और भी करना है मुझे, वो धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। घर पे भी थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ इसी उससे, और बाकी खाने में भी कंट्रोल किया है मैंने। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, फिर नीचे नहा धो के प्रसाद वगैरह लगा रही हूँ। जो एक्स्ट्रा प्रसाद था उसको अलग रख दूँगी, जो ऐसा प्रसाद था उसको मैं रख दूँगी अंदर। और यहाँ पर फिर यहाँ पे कर दूंगी मंदिर की सफाई। यहाँ पे पहले सारे बर्तन ले जाऊंगी नीचे धोने के लिए, और फिर उसके बाद जितने भी फूल वगैरह लगाए थे ये सब रख दूंगी प्लेट में उठा के। ये यहाँ पे मैंने शिव जी और उनको वो चढ़ाए थे, रक्षा सूत्र बांधा था, तो उसको मैं निकाल के अलग रख दूंगी, और जितने ही फूल है वो निकाल दूंगी। यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऊपर, बर्तन वर्तन धो के ऊपर, और यहाँ पे फूल वगैरह ले आई हूँ, पानी भी भर दिया है। यहाँ पे अब मंदिर की क्लीनिंग कर रही हूँ, तो अच्छे से ये क्लीनिंग जब हो जाती है ना, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। और जो सुबह सुबह ये काम हो जाता है ना, तो इस टाइम 7:30-8 हो रहे थे, तो आराम से पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे अभिषेक किया भोले बाबा का ये गंगा जल से, और जो जल होता है ना भर के लाते, उसमें मैं थोड़ा सा गंगा जल मिला देती हूँ, तो पूरा गंगा जल बन जाता है, उससे मैंने अभिषेक करती हूँ। रोज़ तो मैं पंचामृत से नहीं करती, कभी कभी करती हूँ, जैसे कभी कोई फेस्टिवल वगैरह आता है और शिवरात्रि वगैरह आती है तब करती हूँ, नहीं तो नॉर्मल रोज़ मैं गंगा जल से ही स्नान कराती हूँ भोले बाबा को। यहाँ पर मैंने स्नान करा दिया है, और फिर उसके बाद पूजा वूजा करूँगी। यहाँ पे सुबह सुबह टाइम से पूजा जब हो जाती है ना, तो मन बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। और यहाँ पे मैं, यहाँ पे पूरे शिव परिवार भी है मेरे पास, तो उनको भी मैंने अच्छे से स्नान करा दिया है। अब मैंने उनको अपने स्थान पे बिठा दिया है, यहाँ मैंने दिया प्रज्वलित कर लिया है। उसके बाद मैं करूँगी अब चंदन लगाऊँगी भोले बाबा को। पहले गणेश जी, और पहले सबसे पहले गणेश जी को लगाते हैं चंदन, वो मैंने लगा दिया था पहले, वो शायद मैंने शूट कर नहीं पाई इस वजह से। यहाँ पे भोले बाबा को त्रिकोण वाला वो लगा रही हूँ, 3 हाथ से मैं लगा नहीं पाती क्योंकि थोड़े छोटे हैं ना भोले बाबा, इस वजह से, इसलिए एक एक उंगली करके लगाती हूँ और बीच में बना दूँगी ऐसे वो। और मैंने ना आज भोले बाबा को इत्र भी अर्पित करा था, क्योंकि इत्र सेवा भी करनी चाहिए, तो इस वजह से मैंने लगाया था उनको। और यहाँ पर मैं लगा दूँगी उनको त्रिकोण वाला तिलक। ये देखो जैसे बीच में बना है ना, ऐसे ये तिलक लगेगा। ये थोड़ा इसमें बन नहीं रहा था हाथ में, एक तो छोटे छोटे हाथ है ना इस वजह से, और ऊपर भी मैंने लगा दिया है, सब जगह लगा दूंगी तिलक वगैरह। फिर उसके बाद फूल वगैरह चढ़ाने के बाद मैं अपना बीच में मंत्र भी जाप कर रही थी, जैसे भी जो भी मत मैंने करना होता है, ओम नमः शिवाय या मित्र महामित्रुंजय जप होता जम
मंत्र होता है जो, मतलब मैं अभी बोल भी नहीं पा रही हूँ वो, क्योंकि थोड़ा जवान लड़खड़ा जाती है मेरे को बोलने में ना, इस वजह से यहाँ पे मैंने सबको तिलक वगैरह कर दिया है। उसके बाद मैं करूँगी आरती वगैरह और पहले चढ़ा दूँगी फूल वगैरह यहाँ पे। और दिए में भी जब दिया जलाते हैं ना तो दिए के आगे भी लगाना होता है, क्योंकि जो भी जिन देवी देवता को तिलक नहीं लग पाता ना तो वहाँ से वो ले लेते हैं। तो बस यहाँ पे सिंदूर भी लगा दूँगी मैं माताओं को, और सारी माताओं को मैं सिंदूर भी लगाया। उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे अब फूल चढ़ाऊंगी सारे। इधर मैंने भोले बाबा को पहले, इधर देखो इस साइड में होता है गणेश जी, उधर होते हैं कार्तिकेय जी, और बीच में अशोक सुंदर है, और साइड में जो गोल भगर होता है और ये इसमें होता है माँ पार्वती का वास, और बीच में है भोले बाबा। मतलब एक शिवलिंग पे पूरे पूरे शिव परिवार का वास होता है। यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है फूल जो मैं लाई थी तोड़ के, और देखो यहाँ पे मेरी पूजा हो रही है। और वो जो मैं गुड़हल का फूल लाई थी बीच में, उधर मैंने लक्ष्मी जी और गणेश जी को चढ़ा दिया। इधर मैं माता रानी को चढ़ा दूँगी एक फूल, और एक फूल चढ़ा दूँगी इधर लक्ष्मी माता की फ़ोटो लगी है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिए फूल भगवान जी को, और यहाँ पे मैं चढ़ाऊँगी ये आंवले का पत्ता। ये आंवले का पत्ता मैं रोज़ ही चढ़ाती हूँ प्रतिदिन, पर कभी कभी जब मिल जाता है तो चढ़ा देती हूँ, पर वैसे रोज़ मिल जाता है मुझे, पर कभी कभी नहीं मिल पाता तो इस वजह से नहीं चढ़ा पाती। ये आंवले का पत्ता मैंने चढ़ाया, ये अच्छा होता है चढ़ाने के लिए, इससे आपको जो होती है ना आयु आपकी वो बढ़ती है। और यहाँ पे बस अब मैं चावल वगैरह मैंने लगा दिए हैं, और यहाँ पे पूजा वगैरह होगी है। वो पीपल के पत्ते में ना राम 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 जी लिखा था मैंने, और वहाँ पे पति देव ने वो चढ़ा दिए। अब शाम को हम चले मंदिर की ओर, क्योंकि आज सैटरडे था तो मंदिर जाना भी बनता था। तो इन्होंने ना घर पे ही दिए जला देते हैं वैसे तो, पर मैंने बोला नए नए मंदिर चलते हैं, तो मंदिर में हमने दिए लगा लिए, अब चलते हैं घर की ओर। तो इनको भूख लग रही थी तो यहाँ पे ये खा रहे हैं गोलगप्पे, जो इनके फेवरेट है गोलगप्पे, पर इस टाइम ये बंद होने के कगार में थे इसलिए दो तीन गोलगप्पे ही मिले। और मैंने खाई यहाँ पे आइसक्रीम, घर आने के बाद मैंने खाई खूब चूस चूस के आइसक्रीम, सारी नीचे गिरा भी दी थी, और इससे मैंने पति देव से अपनी डांट भी खाई थी कि सारी आइसक्रीम नीचे गिरा दी, सारी चीटी चीटी लग गई थी वहाँ। और इसी के साथ मेरा ये व्लॉग ख़त्म होता है। आई होप मेरा आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। संडे व्लॉग इज़ कमिंग नाउ टुमारो।